हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं मोमो खाने। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए है क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात में मोमोज मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस हैं, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में कुछ ही जगह हैं अच्छे मोमोज जहाँ मिलते हैं, और वहीं आज हम जा रहे हैं। और मोमो की बात बताऊं तो आज से 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे गुजरात में, तो मेरे एक अजीज मित्र है सतपुली, उसके साथ मैं मोमो खाने गए थे मार्केट में। तो हमने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था और वहां हमने पूछा, हमने मोमोज ऑर्डर करे तो उसने बोला मोमो सूचे। तो हमने, उसे ये नहीं पता था मोमोज क्या होता है, तो हमने उसको गूगल पे मोमोज की फोटो दिखाई, तब उसने हमें बताया कि ये यहाँ नहीं मिलता है। तो बहुत मुश्किल है मिलना फिर। हालांकि हमने कुछ जगह है यहाँ पर मोमोज की जो हमने ढूंढ ली, और फाइनली आज मैडम का बहुत मन कर रहा था मोमो खाने का, तो आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद की एक बहुत फेमस लोकेशन है मोमो मैन। काफी वहाँ का खाना बहुत टेस्टी, और भी चीजें वहाँ पर काफी टेस्ट अच्छा है उसका, ऐसा हमने सुना है। तो आज अहमदाबाद हम वहाँ जा रहे हैं और आपको भी जो है दर्शन कराते हैं। इतना अच्छा आज मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश होने वाली है। बारिश के मौसम में बारिश चल रही है, सुबह से बारिश चल रही है। बारिश के मौसम में हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी मोमो। उत्तराखंड से है हम दोनों, तो उत्तराखंड के होते हुए वहाँ इतने टेस्टी मोमो मिलते हैं हमारे नैनीताल में, तो यहाँ गुजरात के हम मोमो आज ट्राई करने। मेरे पर्सनल फेवरेट मोमो है गाइस, अगर आप हल्द्वानी रहते हो तो हल्द्वानी फास्ट फूड के आप जरूर खाना। और एक दीप पास्ता है हल्द्वानी में, दी पास्ता भी मेरा फेवरेट है, वो भी मेरे अजीज मित्र का है, और वहाँ का जो पास्ता है वो बहुत फेमस है, और हल्द्वानी फास्ट फूड का मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन यहाँ देखते हैं आप जैसा भी है, बस और जो भी हो मीठा ना हो, क्योंकि मीठा खा खा के परेशान हो गए गुजरात में, मोमोज में मीठा ना हो ये एक्सपेक्ट करके हम आ जा रहे हैं। मोमो तो मीठे ही होंगे, चॉकलेट ही नहीं हमें खाने हैं, वेज
फाइनली मोमोज मिल गए और मोमोज खा के अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो गाइस मोमोज मोमो मैन के बारे में अगर हम कहें तो एम्बियंस काफी अच्छा है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा, हाइजीनिक है प्लेस और विजिट करने के लिए, और मोमो सोसो मीन 6 out of 10 है। बट मैंने वहां पर एक मील मंगाई थी, नॉनवेज अगर लवर है कोई तो, मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया था और उसमें रेड करी और मेन्यू में 3 meals जो नॉनवेज की हैं वो कोकोनट वाटर में बनती है स्पेशली, उसने मुझे बताया था, जिसमें से मैंने एक ऑर्डर करी थी जो मीडियम स्पाइसी थी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब गुजरात में नॉनवेज ना तो मिलता है ज़्यादा और ना ही टेस्टी बनता है, तो इसलिए जो भी अगर नॉनवेज लवर है वो मोमो मैन में जा सकते हैं और वहाँ पर ये जो 3 dishes हैं जो स्पेशली वो कोकोनट वाटर में जिनकी ग्रेवी बना रहे हैं वो अगर खाना चाहते हैं तो वो 3 meal में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा मील मैंने खाया, मोमो उसको मैं देता हूँ 9 out of 10, लेकिन मोमो मैंने खाया, मोमो को देता हूँ मैं 4, 6 out of 10। मोमोज इतने खास नहीं थे, हालांकि मैंने ज्यादा खाए भी नहीं, कि हमें यहाँ मिल गए इसलिए हम बहुत खुश हैं। इसमें मेरे ख्याल से 2 मोमो खाए, ओरिजिनल वेजी मोमोज, स्पाइसी वेजी मोमोज। यहाँ पर चॉकलेट मोमोज भी हैं, बट उनका टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। और एम्बियंस अच्छा है, माहौल अच्छा है, बैठ सकते हो आप, टाइम स्पेंड कर सकते हो, बाकी सब ठीक है, बट नॉट फॉर मोमोज। आज हम यहीं तक गए थे तो अब हम वापस जा रहे हैं।